नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार मैं अभी मिर्जापुर पहुंच चुका हूं और मिर्जापुर से मेरे को लगेगा करीबन यहां से हनुमना के लिए लगी 2.5 घंटे। मैं बस की सीट में बैठ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि मैं जो बैठा हूं बस काफ़ी मतलब फुल है, बिजी है, कहीं पे सीट नहीं है, तो मुझे सबसे आखिरी वाला जगह मिला है बस के सबसे पीछे। तो मैं यहाँ से अपना सफर आरंभ करता हूँ। दिखा देता हूँ एक बार बस में पूरी तरह से, देख सकते हैं आप लोग सभी तरफ यात्री बैठे हुए हैं और बस अभी मिर्जापुर से निकल चुकी है। एक्चुअली ये बस जाती है रीवा तक और रीवा इसका आखिरी डेस्टिनेशन होता है, लेकिन मुझे जाना है हनुमना क्योंकि मेरे गुरुजी और मित्र मेरा इंतज़ार कर रहे हैं हनुमना में, तो मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ मिलते हैं, फिर अगला जो हालचाल होगा मैं बताता हूँ। थैंक यू। बस अब पहाड़ी को चढ़ने वाली है और यहाँ से जस्ट हम बस से नीचे उतरेंगे तो हमें मिलेगा हनुमना, और हनुमना में हमारे जो गुरुजी हैं, मेरे सभी मित्र हैं, तो मेरे स्वागत के लिए वहाँ पे पहुँचे रहेंगे। तो एक अजीब सा मन में जो असमंजस है वो लगा हुआ है, और उस माहौल उस क्षण का बेसब्री से इंतजार भी है, और इस जर्नी में कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि समय की गति धीमी पड़ गई है, क्योंकि मुझे भी उन आदरणीय गणों से मिलने का बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है मेरे मन में। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उन लोगों से जाके मिलूँ, पर जो बस है कहीं ना कहीं बस भी धीरे है और समय लग रहा है धीमा हो गया है, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं और कैसे मैं मिलता हूँ। मन में अजीब अजीब सवालें भी आ रही हैं, तो इन सारे सवालों का निदान वहाँ जाके ही होगा। तो बस यात्रारत हूँ, देखता हूँ, फिर मैं जब पहाड़ी चढ़ूँगा उस समय मिलता हूँ। घर का काम भी चालू पड़ा है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, घर का काम भी चालू है। इस तरह से एक बंदर देख रहे हैं, ये लोग बहुत फेमिलियर हैं, और ये लोग देखिए बिस्किट फेंका गया गाड़ी से तो उठा के खा लेते हैं, तो बंदर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और इन लोग को पता रहता है कि कौन सा गाड़ी कब आ रहा है तो कब उतर के आना है नीचे, और उसी प्रकार से ये लोग अपना बिस्किट वगैरह खाना वाना ले लेते हैं। तो जितना भी पैसेंजर वगैरह रहते हैं तो बस वाले, देखिए उधर से और बंदर आ रहे हैं, देखिए ये सब बंदर है, ये सब बंदर देखिए उधर हैं, बहुत सारे बंदर हैं लटके हुए हैं, और उन लोगों को पता रहता है कि कौन सा गाड़ी कहाँ से गुजर रहा है, कब आना है नीचे, वो अपना समूह झुंड लेकर के नीचे आ जाते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही लुभावना लग रहा है। देखिए बंदर के साथ लंगूरों का आना जाना, देखिए लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा है बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ओपन पार्क में दे रहे हैं वो लोग खाना, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। बंदरों का ये टोली है बहुत दूर तक जा रहा है, जबने हमने शुरू किया तो मैं सोचा रिकॉर्ड करूं इस चीज़ को। काफ़ी बंदर यहां से वहां, और ये लोग का एक निश्चित क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, तो लोगों को भी पता रहता है और कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी गाड़ी से जाना है, ये लोग को पता रहता है, गाड़ी की आवाज़ सुनते ही नीचे आ जाते हैं अपना अपना टोली के साथ, और बिस्किट्स नहीं तो कुछ खाने का इंतज़ार में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख करके। और हम लोग अभी जो भूतल से हम लोग की ऊंचाई होगी करीबन अभी
400 फीट ऊंचाई में है हम लोग पहाड़ी के, और 400 साढ़े 400 फीट ऊंचाई, तो काफ़ी ऊपर में हम लोग, ये तो सब कह सकते हैं चोटी। मैं एक मिनट पीछे दिखाना चाहूँगा, ये जो पीछे के देख सकते हैं मनोरम सीन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ऊंचाई है। ज़रा आगे से भी जगह इस तरह से आगे की ओर, तो ये घाटी यहाँ पे इसका टॉप लेवल आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे से डाउन की ओर नीचे उतरते हैं। जो समाज में कुरूपियाँ, गलतियाँ, अनैतिक, अनिच्छा कार्य हो रही है, तो माननीय मैंने अनुराग बटियार जी का ये कहना है कि अपने समाज को उठाना चाहे, जिस प्रकार से माननीय बिरसा मुंडा जी ने लाख कोशिकों के बाद हमारे मध्य प्रदेश में यानी हमारे देश में जो क्रूरता, अत्याचार अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा यानी कई सिखों द्वारा हो रहा था, उसके लिए उठाने के लिए, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए का जो है तो काफ़ी भूमिका निभाई थी। उसी भूमिका पर हमारे माननीय अनुराग बटियार जी झारखंड से चल करके हमारे यानी मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिला के हनुमना ब्लॉक के पाती ग्राम के किशनदाह गांव में पहुंचे हुए हैं, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपको। धन्यवाद देता हूँ हमारे इस मध्य प्रदेश के रीवा जिला के जो पाती गांव ग्रामीण वासियों को, और संपूर्ण मध्य प्रदेश के सारे जितने भी हों आज इस मीटिंग में आए हों या ना आए हों, सारे आदिवासी समुदाय के भाई एवं बहनों एवं माताएं पिताएं जो भी हैं, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का ही आशीर्वाद रहा कहीं ना कहीं से आज हम आपके यानी कि हमारे पूर्वजों के धरती पर मैं दोबारा कदम रख पाया हूँ। तो मेरी ओर से आप सभी मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी समुदाय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और नमस्ते आजमान। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे अनुराग बटियार जी ने झारखंड से परिश्रम करके इस पाती ग्राम के धरती पर पैर रखे हैं, उसी तरह से मैं अनुराग बटियार जी से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम रखे, इस ग्राम पंचायत पाती अपने बिरसा मुंडा समाज के लोगों को आमंत्रित करें, और ये बिरसा मुंडा के लोगों को समाज आदिवासी समाज के हैं वहाँ पर जाने के लिए जरूर प्रश्न करेंगे, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमेशा से स्वागत है आपका, हमेशा से स्वागत है, हमेशा रहेगा। चलिए स्वागत है आप सबों का। ऐसा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोविजन बनेगा हमारे समुदाय के द्वारा, आप सभी गाँव वासियों को मैं लिखित भेजूंगा।